बच्चों कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आप सभी का आसान फिजिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं आपको क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18 की डिस्कशन करेंगे आरबीएससी क्लास 12 के लिए। जो जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है जिन चैप्टर्स में से जो 3 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनका डिस्कशन करेंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक शेयर कर दें और जिन दोस्तों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए आरबीएससी क्लास 12 इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन सी की बात कर रहे हैं। आज हम किसकी बात कर रहे हैं, सेक्शन सी में। सेक्शन सी में क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आएंगे आपके और क्वेश्चन के जो नंबर होगा वो होगा 16, 17 एंड 18। कौन से क्वेश्चन होंगे, 16, 17 एंड 18। ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का। और इसमें एक चॉइस मिलेगी आपको, कोई 2 क्वेश्चन आएंगे उनमें से एक करना होगा। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर है, तो देखिए चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 9 है और चैप्टर नंबर 11 है। अगर चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको जो अच्छे से पढ़ना है वो वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ना है, वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसको डेरिवेशन को बायो सेवर्ट के नियम द्वारा सिद्ध करते हैं। अक्ष पर अच्छे से याद कर लेना है आपको, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, जो आप देखेंगे बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये जो डेरिवेशन है उसको अच्छे से कर लेना है, 4 मार्क्स के लिए काफी इंपोर्टेंट है। फिर आपको साइक्लोट्रोन कंप्लीट पढ़ लेना है, साइक्लोट्रोन जो है वो अच्छे से पढ़ लेना है। एक परिनालिका की बात करेंगे, इसमें परिनालिका को भी आपको पढ़ना है और टोरॉइड को पढ़ लेना है। इसके बाद धारावाही चालक पर लगने वाला बल, ये जो फॉर्मूला है F=BIL sin θ, ये अच्छे से पढ़ लेना है। और टॉर्क एक्ट ऑन करंट कैरिंग कॉइल, जो एक धारावाही आयताकार कुंडली को NS चुंबकीय ध्रुवों के बीच में गति करवाते हैं, तो जो बलानुगुण लगता है tau = mv sin θ। इस डेरिवेशन को आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, इस डेरिवेशन को आपको अच्छे से करना है, कौन सा टॉर्क एक्ट ऑन द कॉइल। तो ये चैप्टर नंबर 4 के लिए इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चैप्टर नंबर 9 की बात करें रे ऑप्टिक्स की, तो रे ऑप्टिक्स में से भी आपको ये क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं, तो दर्पण सूत्र आपको अच्छे से पढ़ लेना है, मिरर फॉर्मूला 1/F = 1/U + 1/V। पूछने का तरीका अलग हो सकता है, ऐसे कह सकते हैं UVF में संबंध ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्या है, गोलीय सतह का अपवर्तन सूत्र, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है, जो आपने सिद्ध किया होगा -μ1/U + μ2/V = μ2 - μ1/R। कई बार यहाँ पे अपवर्तनांक बदल सकते हैं, तो -N1/U + N2/V = N2 - N1/R ऐसा कर सकते हैं आप। लेंस मेकर फॉर्मूला LMF, ये अच्छे से पढ़ना है आपको, क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला सिद्ध करना है, लेंस निर्माता सूत्र जो है उसको अच्छे से प्रूफ कर लेना है, उसको सिद्ध कर लेना है। उसके बाद RI ऑफ प्रिज्म, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म के लिए जो अपवर्तनांक का सूत्र ज्ञात करते हैं उसको ध्यान रखना है। लेंस मेकर फॉर्मूला आप जानते ही हो, क्या होता है, 1/F = μ-1/1/R1 - 1/R2। प्रिज्म का अपवर्तनांक सूत्र जो है उसको अच्छे से याद कर लेना है आपको, अच्छे से डेरिवेशन इसका करके जाना है। फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसका कंप्लीटली चित्र बना के इसकी जो आवर्धन क्षमता ज्ञात करते हैं उसको आपको पढ़ लेना है अच्छे से। आगे चर्चा करें तो देखिए चैप्टर नंबर 11 में से भी 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस बार, तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, चैप्टर का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं विकिरण की द्वैत प्रकृति, ऐसे कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो आपको स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये अच्छे से पढ़ लेना है। स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है, आपने इसमें पढ़ा होगा कि आपतित विकिरण की तीव्रता पर प्रकाश विद्युत धारा का प्रभाव, आपतित विकिरण की आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत धारा का प्रभाव और संग्राहक उत्सर्जक पट्टिका के विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का प्रभाव, ये 3 स्टडी की गई है, इनके ग्राफ बनवाए गए होंगे आपके गुरुजी ने आपको, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है, कौन सा स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें 3 इफेक्ट पढ़ेंगे, कौन कौन से बताए हैं, आपतित विकिरण की आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत धारा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फोटो करेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। नेक्स्ट है आपतित विकिरण की आवृत्ति पर प्रकाश, पहला है तीव्रता पर प्रभाव, तीव्रता का मतलब इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन फोटो करेंट। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन फोटो करेंट, मतलब प्रकाश विद्युत धारा की आवृत्ति पर, या आपतित विकिरण की आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत धारा का प्रभाव। और एक और है कि उत्सर्जक एवं संग्राहक पट्टिका के विभव के कारण
प्रकाश विद्युत धारा का प्रभाव, मतलब इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करेंट, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर एंड एमिटर प्लेट ऑन द फोटो करेंट। ये तीन आपके स्टडी हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेना है, चार नंबर में पूछी जा सकती है। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट जो टर्म है, आइंस्टीन इक्वेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या आइंस्टीन के समीकरण के द्वारा, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट आपका डेविशन जर्मर का प्रयोग जो है, ये भी पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना है, डेविशन जर्मर का प्रयोग। मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, इससे न्यूमेरिकल जरूर आएगा आपका, तो जितने भी एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल है इस चैप्टर के, एग्जाम्पल्स के जो भी न्यूमेरिकल है वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। जो भी आपके पास एग्जाम्पल्स के न्यूमेरिकल है इस चैप्टर के वो कंप्लीट करना है। तो 3 मार्क्स के लिए इतना ही, इसमें से आपको जरूर मिल जाएगा। तो देखिए मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें आपको 4 मार्क्स के कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो बताए हुए हैं, अगर आपको आपने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन की हुई है, आप देख सकते हैं वहां से उसको। और ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा मैंने 2 मॉडल पेपर आपको, एक सॉल्व करवाया हुआ है, एक आपको आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वो मॉडल पेपर भी आपको कंप्लीटली अच्छे से करने हैं, ठीक है। तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए।